Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to discuss about the important questions of class 11 political science chapter 2 rights in the Indian constitution. And here as you can see यहाँ पे मैंने आपकी वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 दोनों मेंशन की है, जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. स्पेशली आपके 1 मार्क क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू टाइप के आते हैं, आपके एफआईबी टाइप के आते हैं, आपके ट्रू फॉल्स टाइप के आते हैं, तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने इस वर्कशीट में आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. और आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बिटवीन ऑफ द चैप्टर सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखिए वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं. और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच पार्ट कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट, क्योंकि चैप्टर जो है ये वो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चैप्टर में जो बेसिकली आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वही सारे मेंशन किए गए हैं, और इसी के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर बेस है कि इन राइट्स के बारे में आपको कितनी नॉलेज है. और नहीं दिया तो आपको पूरी की पूरी वो नॉलेज को लेना है कि क्या फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग होता है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंस है ये. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी हमारी लाइफ में. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट में है. ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर जो भी चीजें हैं वो हर चीज मेंशन की गई है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट और आर्टिकल्स में. तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको सिर्फ विच पार्ट, क्योंकि बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है, बट यही है कि आपने कितना डीप उसको पढ़ा है, तो यही चेक करना है थ्रू दी वर्कशीट. तो अगर आपको पता है कि विच पार्ट किस पार्ट में ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं, तो वो आप आंसर चूज कर सकते हैं आराम से. तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास पार्ट 1, कि आपको लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किए हैं, क्या वो पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 4 में है या पार्ट 3 में है. ठीक है, तो जो भी आपको लगता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो है विच इज द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, आपको ऐसा क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है या ऐसा कोई भी चीज जो आप यहाँ करते हो और वो आपके लिए वॉयलेशन है ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो फर्स्ट है मूविंग एनीवेयर इन द कंट्री. अगर आप कंट्री में कहीं भी घूमते हो तो क्या ये वॉयलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट का. सेकेंड, अलाउइंग फ्री स्पीच. ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच है, एक्सप्रेस योर व्यूज, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये एक वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का. अगर आप कोई फ्री स्पीच देते हो तो किसी तरह से ये आपका वॉयलेट कर रहे हैं क्या फंडामेंटल राइट को. थर्ड है पेइंग लेस देन मिनिमम वेजेस. ठीक है, फोर्थ है अलाउइंग टू वर्शिप देयर रिलीजन. तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा लगता है कि जो है वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, पेइंग लेस देन मिनिमम वेजेस, कहीं कहीं आपने देखा होगा गांव वाव इलाकों में या फिर किसी भी जॉब के लिए एक गवर्नमेंट होती है वो मिनिमम वेजेस तय करती है, सेट करती है, बट उसके अकॉर्डिंग जो होता है लोगों को जो ओनर्स होते हैं वो कम पेमेंट देते हैं. ठीक है, तो क्या वो आपकी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है. तो ये सारे चारों में से जो भी आपको लगता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. इसके बाद चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और वो है व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स. ठीक है, बिल्कुल ये क्लियरली टॉपिक दिया गया है बुक में, इवन मैंने अपने फ्लो चार्ट में भी आपको ये मेंशन किया है बिल ऑफ राइट्स एक क्लियर हेडिंग के साथ. अगर आपने वो फ्लो चार्ट नहीं देखा है, मैंने अपना इस चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें सारे सारे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेन भी किया. तो अगर आपने वो फ्लो चार्ट नहीं देखा तो प्लीज वो भी देख लीजिए, वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा. तो इसके बाद है कि व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स, आप बिल ऑफ राइट्स से क्या समझते हो. तो इस बिल ऑफ राइट्स में ये एक तरह का क्वेश्चन ही पूछा गया है आपसे. तो ये क्या आपके लिए लिस्ट ऑफ राइट्स है, क्या ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे राइट्स मेंशन किए गए हैं, या आपको लगता है एनी राइट्स कोई भी राइट्स है. ठीक है, इसमें इसके साथ ही बिल इन द पार्लियामेंट फॉर इंट्रोडक्शन, या फिर इसमें जो बिल हम प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में फॉर इंट्रोडक्शन पर्पज के लिए, क्या वो आपको लगता है वो चीजें इसमें है, या आपको लगता है ये किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल है. ठीक है, अगर आपको वो लगता है तो जो भी आपको लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आप चूज कर सकते हो उस क्वेश्चन के लिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन कैन नॉट प्रूव टू बी अ डेंजर टू फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, ऐसे इनमें से कौन सी ऐसी चीज नहीं है या ऐसे कोई भी ऑर्गन नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए डेंजर प्रूव होता है. तो क्या आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेंजर है फंडामेंटल राइट्स के लिए, या आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट, या आपको लगता है अ पर्सन कोई भी अपने आप, या अदर इंडिविजुअल्स, या कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है. ठीक है, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो डेंजर हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है, विच वन कैन नॉट प्रूव टू बी डेंजर टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो नहीं प्रूव होता है किसी भी किसी के लिए भी डेंजर एज अ डेंजर फंडामेंटल राइट्स के किसी भी इंसान के लिए वो डेंजर प्रूव नहीं होता. तो वो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें से होगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द बिल ऑफ राइट्स वाज फर्स्ट प्रेजेंट है. ठीक है, बिल ऑफ राइट्स जो अभी बात हुई है, तो ये जो बिल ऑफ राइट्स है फर्स्टली कहाँ प्रेजेंट, कब हुए थे प्रेजेंट, आपको लगता है 1930 या 1928,
इसका करेक्ट आंसर होगा या फिर सी ऑप्शन 1940 या फिर 1927। तो ये भी बुक में क्लियरली दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस कॉमिटी प्रेजेंट फर्स्ट प्रेजेंटेड दी डिमांड फॉर बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो आपको कॉमिटी बतानी है, उस कॉमिटी का नाम बताना है जिसने फर्स्ट ये बिल जो राइट बिल ऑफ राइट्स है ये जो डिमांड थी वो प्रेजेंट की थी। तो क्या है वो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी या महात्मा गांधी कमेटी या सी अम्बेडकर कमेटी या डी जवाहरलाल नेहरू कमेटी। तो जो भी आपको लगता है वो आप कि ये करेक्ट होगा, जिसके अंतर्गत ये जो फर्स्ट कमेटी बनी थी जिसमें कि फर्स्ट ये डिमांड को प्रेजेंट किया गया था बिल ऑफ राइट्स की डिमांड को, तो उनमें से वो कौन सी थी। इसके बाद है विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा है इसमें जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, या राइट टू इक्वालिटी नहीं है, या राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, या राइट टू फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी टू इम्प्रूव बैकवर्ड लॉट। ठीक है, तो कौन सा इसमें से एक ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी करता है रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी टू इम्प्रूव बैकवर्ड लॉट। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस को इम्प्रूव करने के लिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो क्या वो आर्टिकल 16(1) है या बी आर्टिकल 16(2) है या आर्टिकल 16(3) है या आर्टिकल 16(4) है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी राइट्स डज राइट टू फ्रीडम हैव। तो जो राइट हाउ मेनी राइट्स डज राइट टू फ्रीडम हैव, अगर आप राइट टू फ्रीडम देखो जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है तो इसमें एक्चुअली कितने राइट्स आते हैं। ठीक है, इसको क्लस्टर ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, एक ही राइट्स में आपको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि क्या 5 राइट्स मिलते हैं या 6 मिलते हैं, 7 मिलते हैं या 8 मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से ऐसे कौन सा पॉइंट है जो उसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, बी है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सी है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन एंड डी है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें से आपको जो लगता है कि इसमें नहीं है, नहीं होना चाहिए, मेंशन नहीं होना चाहिए, वो आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद है व्हाट इज द रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको रिलीजन ऑफ इंडिया बताना है। तो ये क्या ये हिंदू है, हिंदुज्म या मुस्लिम इस्लाम या फिर सेकुलर है या फिर जैनिज्म है। ठीक है, तो आपको रिलीजन बताना है इंडिया का, इनमें से कौन सा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ रेड। ठीक है, आप इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है एक जो वो एक रेड नहीं है। ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह जो फंडामेंटल राइट है उसमें कुछ रेड मेंशन की गई है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये भी मैंने अपने फ्लो चार्ट में एक एक जो भी टॉपिक है वो भी एक्सप्लेन किया है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं मैंडमस, कि आपको लगता है कि ये रेट नहीं है तो आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका क्यों वारंटो है, प्रोबेशन है और लास्ट आपका परमिशन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वैन वॉज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म। कब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म हुआ था, तो वो ऑप्शन है 2002, 2003 एंड लास्ट है 2004। तो आपको जो ये लगता है और आपको इस हिसाब से कि वो करेक्ट है तो वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच अमेंडमेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आप इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया, क्या वो 40th है, बी ऑप्शन है 43rd, सी ऑप्शन है 42nd एंड डी ऑप्शन है 45th। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज द 42nd अमेंडमेंट पास्ड। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है 1972, सेकेंड है 1974, सी ऑप्शन है 1975 एंड डी ऑप्शन भी है 1976। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और मैं बिल्कुल इसकी आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद मूव करते हैं वर्कशीट 2, हमारी वर्कशीट 1 हम लोगों ने कम्प्लीट कर ली है। इस बार वर्कशीट 2 में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली सब 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस चैप्टर से बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझते क्या। हम लोग बहुत बार ये वर्ड्स यूज करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है जानना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो बाकी सब राइट्स का आप क्या करोगे, अपनी लाइफ में क्या यूज करोगे, कोई मतलब नहीं बनता जब तक आपको इसका मतलब करेक्ट मीनिंग ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, जो आपका ये एक राइट है इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अ बेगार। ठीक है, इसको हम बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं, बेगार बोलते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है और ये अपने हिस्ट्री की बुक्स में भी आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बी सस्पेंडेड।
क्या आपको लगता है जो फंडामेंटल राइट गारंटी किए गए हैं, जो हमें बिल्कुल गारंटी के साथ प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये वो सस्पेंड हो सकते हैं कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे? अगर ऐसा कुछ कॉन्टेंट आपने पढ़ा है बुक में तो उसके रिलेटेड आपको ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसके साथ भी कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है, जो की बिल्कुल मेंशन किया गया है बुक में, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंस में सबसे इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, या क्या रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स आपकी लाइफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नीड टू मेंशन राइट्स इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही क्या नीड क्या है, क्यों इन राइट्स को कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, इसका क्या यूज है, इससे आपकी लाइफ में क्या मायने हैं, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द सामिन, ठीक है, सामिन का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 होता है, व्हाट इज द रेट, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में काफी सारे रेट्स को मेंशन किया गया है, तो वही रेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट जो मैंडमेंस प्रोविजन हमने पढ़ी अभी, क्यों वैंड है ना, ये सब जो अभी मैंने डिस्कस की थी, तो ये आपको बताना है कि एक्चुअली ये जो रेट क्योंकि सारी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, तो आपको रेट का मतलब भी बताना है कि व्हाट इज द रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू मीन बाय अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी में आपका आर्टिकल 17 कुछ कहता है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स राइट्स राइट्स, व्हाट अबाउट ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जब भी राइट्स की बात होगी ड्यूटीज पक्का वहां पे आएंगी, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट के दो पहलू होते हैं, दो है ना फेस होते हैं एक ही पॉइंट को, तो जहां आप राइट्स की बात करते हो वहां फंडामेंटल ड्यूटीज पक्का आनी ही आनी है, ठीक है, तो वहां इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कौन से राइट्स हैं, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो राइट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो राइट टू वर्क, राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड है, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर है कि नहीं है, या राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल्स, ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स बताने हैं, बेसिकली जितने भी हमारे हैं उनमें से आपको मेन मेन बताने हैं जिसके अंदर ये वाले जो चीजें आपको अलाउ की गई हैं, ठीक है, तो आपको बताना है उस फंडामेंटल राइट का नाम जिसमें फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, ठीक है, कोई भी अपने धर्म का जो भी रिलीजन चाहता है फॉलो कर सकता है, ये जो चीज आपको फ्रीडम मिलता है ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर मिलता है, वो फंडामेंटल राइट का नाम आपको मेंशन करना है। बी है राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ जो है वो किस फंडामेंटल राइट में आता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो अभी मैंने आपको बताया तो ये किसके अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद है बैन ऑन बॉन्डेड लेबर, ठीक है, बॉन्डेड लेबर जो बेगार वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन की व्हाट डू मीन बाय बेगार, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि बॉन्डेड लेबर भी इसको कहते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, किस फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है, तो वो आपको फंडामेंटल बेसिकली फंडामेंटल राइट आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट कम अंडर द क्वालिटीज ऑफ आर राइट, ठीक है, तो क्या आपको इसमें से ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक क्वालिटी नहीं है फंडामेंटल राइट की, ठीक है, किसी भी राइट की, तो इट इज reasonable, B option such a claim is recognized by the rich, C option we have such a claim is recognized by the society, and D option we have such a claim is sanctioned by law, ठीक है, आपको इन फोर में से जो भी option लगता है वो आपका correct answer हो जाएगा। Question number 14 है, which one of the following is not a civil right, ठीक है, तो ऐसा इनमें से कौन सा एक right है जो civil right नहीं है, ठीक है, civil rights में नहीं आता है, तो right to vote है क्या वो, right to life है, right to equality है, या right to freedom है। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जो कि आपका पॉलिटिकल राइट नहीं है और पॉलिटिकल राइट की श्रेणी में वो चीज नहीं आती है, तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस क्या वो बी है, राइट टू वोट क्या वो सी है, राइट टू सीक एनी पॉलिटिकल ऑफिस, या डी है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तो ये भी अगर आप देखो तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बट उसके लिए आपको पहली बार समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल राइट और व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक राइट, इसमें से जैसे पॉलिटिकल राइट था वैसे इकोनॉमिकल राइट होते हैं, ठीक है, हर एक फील्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को लेकर चलते हैं, तो यहाँ भी इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, डिफरेंट डिफरेंट राइट्स होते हैं, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पॉलिटिकल राइट की बात हुई है वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक राइट की बात हुई है कि कौन सा आपका इकोनॉमिक राइट नहीं है इनमें से, तो क्या आपका देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट है राइट टू वोट, सॉरी राइट टू वर्क, सेकेंड है राइट टू अर्न अ रीजनेबल वेज, ठीक है, आपको एकदम परफेक्ट सैलरी मिलनी चाहिए आपके काम के अनुसार, सी है राइट टू फुलफिल बेसिक नीड्स, और डी है राइट टू फैमिली, तो आपको जो लगता है कि इसमें से इकोनॉमिकल राइट नहीं है, इकोनॉमिकल राइट के सीरीज में नहीं आता, तो वो आपका ऑप्शन आप चूज कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है, विच थिंग्स मेक एनी पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक। आप इसमें से ऐसे कौन सी बातें या कौन सी ऐसी चीज है जो पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन है द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिविल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, बी ऑप्शन वी हैव टू एट्रैक्ट एनी बॉडी हु इज अगेंस्ट यू, सी ऑप्शन वी हैव टू ड्रिंक इन अ पब्लिक प्लेस, एंड डी ऑप्शन वी हैव टू ड्राइव कार रैशली, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है आपको लगता है, कौन सी चीज है जो एक पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाती है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा अब तक। तो इसके बाद क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, दी ऑप्शन वी हैव राइट अगेंस्ट इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, एंड सी ऑप्शन वी हैव राइट अगेंस्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट थीव्स एंड रॉबर्स, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड आर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ऐसा इनमें से कौन सा एक लाइन है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में नहीं आता है। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग आर सिटीजन डज नॉट ओ टू द गवर्नमेंट, वी शुड फर्स्ट ऑप्शन वी हैव वी शुड पे डिफरेंट टैक्सेस, बी ऑप्शन वी हैव वी शुड ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, सी वी शुड अलाउ द पुलिस टू अरेस्ट एनी बॉडी विथ आउट सफिशियंट प्रूफ। सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ, Which one of the following acts cannot be allowed? No rallies, ठीक है। इसमें से आपको कौन सा ऐसा लगता है कि which one of the following acts, इनमें से कौन सा act है जो cannot be allowed? No rallies, ठीक है। तो इसमें first option है these rallies should be peaceful, क्या जो rallies आप कर रहे हो peaceful होनी चाहिए, या B the processionists should not carry weapons, जो भी उसमें part ले रहे हैं procession में part ले रहे हैं वो weapons लेके ना घूमे, और there should be prior permission पहले भी ले लेनी चाहिए, एंड द प्रोसेशन ट्राई टू ब्लॉक ट्रैफिक, ठीक है। क्या प्रोसेशन को पूरा वो ट्राई करते हैं ब्लॉक ट्रैफिक को ब्लॉक करने में, तो इसमें से भी जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के आपके पॉलिटिकल साइंस के, वो सारे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए वर्कशीट के थ्रू। आई होप ये वर्कशीट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम टाइम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।